गाइस ये जो वीडियो ये लास्ट वीडियो हो सकता है हम सारे यूट्यूबर्स का, ऐसा नहीं कि मैं छोटा यूट्यूबर हूँ तो ऐसा नहीं कि ये लास्ट वीडियो मेरा ही होगा खाली, बहुत सारे यूट्यूबर्स का लास्ट वीडियो ये हो सकता है क्योंकि अभी न्यूज़ आई है यूट्यूब फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम बैन होने के चांसेस है। बताना चाहूँगा जो हुआ क्या था वो मैं बताता हूँ। इसमें जो है IMDT ने सारे सोशल मीडियाज़ को एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि और एक वार्निंग भी दी थी कि तुम्हारा इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है, ऑफिस बनाओ, फिर उसके अंदर थोड़ा हमारे इंडियन वालों को भी कुछ रखो। उन्होंने वो सब कुछ भी नहीं करा, 3 महीने का नोटिस दिया था, 25 फरवरी को ये नोटिस गया था और आज है 26 मई, तो 3 महीने पूरे हो चुके हैं। अब चांसेस है कि वो बैन हो सकता है क्योंकि अभी तक इनके हिसाब से कोई भी नया ऑफिसर या फिर कोई नई ऑफिस इंडिया में कोई बनी नहीं है अभी तक। गाइस ये सब बैन होने का खाली एक ही रीज़न है, वो है कोरोना COVID-19। क्यों? क्योंकि उसमें प्राइवेसी इशूज है, पबजी चली गई, अब ये सब जा रहा है तो हम लोग करेंगे क्या? मीन्स पहले 2012 में न्यूज़ आई थी कि जो वर्ल्ड है उसके एंड होने के चांसेस है, लेकिन अब तो न्यूज़ आएगी कि 2022 से पूरा वर्ल्ड यूं ही एंड हो गया बिना किसी इशू के। ये जो चीज़ ऐसी है, यूट्यूब जा रहा है, व्हाट्सएप नहीं जा रहा है, फेसबुक जा रहा है, इंस्टाग्राम जा रहा है, ये सब जा रहा है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स है, ये लोग क्यों बैन होंगे इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स। तो एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल ले लो, पबजी क्या था? इतना बड़ा ही तो गेम था, ऐसा तो नहीं है कि कोई छोटा सा गेम था, कोई अच्छा सा गेम नहीं था, ऐसा नहीं है, उसमें प्राइवेसी इश्यूज है। इतनी बड़ी कंपनी टेंसेंट और क्राफ्टॉन दोनों को इंडिया ने खाली एक ही बार में बैन कर दिया। टिकटॉक का एग्जांपल ले लो, टिकटॉक भी तो इतना बड़ा एप्लीकेशन था, इतना बड़ा यूज़ होता था इंडिया में, इतना यूज़ होता था, तो भी बैन हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइवेसी इश्यूज आ रहे थे। तो ऐसे हम लोग ये सब भी जा सकते हैं, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब अगर मेरे हिसाब से देखें कि ये सही है या फिर नहीं है, तो मैं बोलना चाहूँगा ये सही भी है और नहीं भी है, क्योंकि जो सही है वो इसलिए क्योंकि प्राइवेसी इश्यूज इंडिया को नहीं होने चाहिए। पहले भी पबजी चली गई प्राइवेसी की वजह से, और गलत क्यों है? क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जिस पे बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं कि हमें उनको एडिक्शन है इसका, इंस्टाग्राम सो द टाइम इंस्टाग्राम, उठ के इंस्टाग्राम, उसके बाद फेसबुक ट्विटर सब कुछ करते ही रहते हैं वो लोग, तो फिर अगर ये सब यूं ही बिना कुछ हमसे हमारे कुछ पूछे बिना ये लोग ऐसे ही ले लेंगे सब कुछ, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा इशू बन जाएगा हमारे लिए। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, अगला वीडियो आएगा ही नहीं, चलो लेकिन फिर भी अगर आएगा तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।